बड़ी खबर मऊ से जाएगा, जहां गीराबाद में अंसारी एंड फैमिली के खिलाफ एक्शन चल रहा है। अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। कल रात को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकी गई थी और आज फिर से बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर मऊ की है जहां पर जहांगीराबाद में अंसारी एंड फैमिली के खिलाफ एक्शन चल रहा है। अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। कल रात को अंधेरा होने की वजह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई थी और एक बार फिर से अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है। पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करना है और आज फिर से बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। तो देखिए ये बहुमंजिला इमारत है, ऐसे में सावधानी की ज़रूरत है, इसलिए भी ऑपरेशन रात को रोका गया था। लेकिन अब आप देखिए ये मऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी इमारत को हालांकि लगभग गिरा दिया गया है, लेकिन जो कुछ हिस्सा बचा हुआ है उसको भी ढहाने की कार्रवाई की जा रही है, जो रात को रोक दी गई थी। एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन मऊ में शुरू हो गया है। तो तस्वीर मऊ की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है। रात को इस ध्वस्तीकरण को रोका गया था, लेकिन एक बार फिर से बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया। तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर मऊ से है, वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंसारी एंड फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मऊ के जहांगीराबाद में ये एक्शन हो रहा है, जहां पर अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को फिर से शुरू किया गया है। कल रात में इसे रोका गया था, आज एक बार फिर से ये कार्रवाई शुरू हो गई। और वहीं प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस का आज नौवां दिन है। माफिया तीक अहमद के करीबियों के खिलाफ आज भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि 8 दिन का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी नामजद आरोपी या सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शूटर की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बुलडोजर एक्शन तो चल रहा है, लेकिन प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस में आज नौवां दिन है। माफिया तीक अहमद के करीबियों के खिलाफ आज भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि 8 दिन का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी नामजद आरोपी या सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शूटर की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, टाइमलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं। 27 फरवरी को एक एनकाउंटर जरूर हुआ था, 27 फरवरी को मुस्लिम हॉस्टल से सदाकत को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो शूटर सीसीटीवी में दिखे थे उनमें से अभी कोई भी पकड़ा नहीं गया। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर है 1 मार्च की, जफर का मकान गिराया गया। 2 मार्च को सफदर का मकान गिराया गया। 3 मार्च को माशुकुद्दीन का मकान गिराया गया और आज 4 मार्च है। सवाल ये है कि आज किसका नंबर है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग इस शूटआउट में शामिल थे, जिनके चेहरे पहचाने गए हैं, आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। बसपा विधायक ने कहा कि ध्यान रखना होगा कि किसी निर्दोष पर ये कार्रवाई न हो जाए, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर शूटर पकड़े क्यों नहीं गए। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ ने छापेमारी की है और पुराने लखनऊ के कई ठिकानों पर एसटीएफ ने ये छापेमारी की है। गुड्डू मुस्लिम के कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। गुड्डू मुस्लिम के सीरियल किलर भाइयों से संबंधों की पड़ताल भी चल रही है और उमेश पाल की हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम 2 दिन लखनऊ में रहा था। और चलिए आपको बताते हैं कि उमेश पाल मर्डर में अब तक क्या क्या हुआ है। प्रयागराज में मर्डर केस में एसटीएफ तापड़दौड़ छापेमारी कर रही है, हालांकि अभी कामयाबी नहीं मिली है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ ने छापेमारी की, पुराने लखनऊ में कई ठिकानों पर एसटीएफ ने छापेमारी की है। गुड्डू मुस्लिम के हिरासत में के कुछ करीबी उसके हिरासत में लिए गए हैं। गुड्डू मुस्लिम के भाइयों को लेकर भी जाँच हो रही है और उमेश पाल की हत्या से पहले 2 दिन में लखनऊ में रहा था गुड्डू मुस्लिम, ये जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से। 24 फरवरी को उमेश हत्याकांड से ही गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है और मामले में अब तक सिर्फ 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर हो रही बुलडोजर कार्रवाई को यूपी के मंत्री दानिश अंसारी ने सही ठहराया, तो बसपा विधायक उमा शंकर और लोकसभा सांसद दानिश अली ने कार्रवाई पर सवाल उठाया। देखिए जीरो टॉलरेंस पर हमारी योगी सरकार काम करती है और उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कानून व्यवस्था के दायरे में रहना पड़ेगा। इस पर संदेश है हमारे मुख्यमंत्री जी का और तमाम अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उसको भी जमींदोज करने का काम किया और उनको सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके
हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। तो देखिए दो चीज़ें हैं, अभी तो इतना दिन टाइम बीत गया, अभी तो जो शूटर्स थे शूटर नहीं पकड़े गए। पहले तो सबसे पहले आवश्यक है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और वो साफ सरकार कह रही है कि नहीं सब पहचान लिए गए हैं, मुझे लगता है कि पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वस्तु स्थिति सही पता चल पाए कि किसका इन्वॉल्वमेंट है। भाई उच्च स्तरीय जाँच का यही मतलब होता है कि हम पहले उनको अरेस्ट करें, फिर वो लोग बताएंगे कि स्रोत क्या है, किसके सोर्स से हम आए थे। ये पहले आवश्यक है और कार्रवाई करने से पहले सरकार को पूरी तरफ से किसी के ऊपर भी यह एश्योर होना चाहिए कि कोई निर्दोष आदमी ना के ऊपर ना कार्रवाई हो जाए, तो जो दोषी हो उसी के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष को इसमें ना इन्वॉल्व किया जाए। तो आज पूरे 7 दिन हो गए, जो प्रयागराज की इलाहाबाद की घटना थी उसमें 7 में से 1 भी आरोपी को उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। आप केवल बुलडोजर चला करके राजनीतिक सेंटीमेंट्स को आप सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर ये नहीं होता, यहाँ देश और प्रदेश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। अपराधी को सजा देने का काम अदालत का होता है। और आप कितने लोगों को बेघर कर रहे हैं, क्या है, मैं समझ से बाहर है ये चीज। जो अपराधी है उनको तो आप पकड़। वैगुंडा मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, खाद्य विभाग और औषधि विभाग की छापेमारी हो रही है। खोया और मिठाइयों के नमूने लिए गए हैं, खाद्य विभाग और औषधि विभाग ने नमूने जांच के लिए भेजे हैं। तो गुंडा मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, खाद्य विभाग और औषधि विभाग की छापेमारी चल रही है। खोया और मिठाइयों के लिए नमूने लिए गए हैं, खाद्य विभाग और औषधि विभाग ने नमूने जांच के लिए भेजे हैं। तो त्यौहार का सीजन है, होली का त्यौहार आ गया है, तो ऐसे में किस तरीके की गड़बड़ियां होती हैं वो किसी से छिपा नहीं है। और यही वजह है कि गोंडा में मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, खाद्य विभाग और औषधि विभाग की छापेमारी हो रही है। खोया और मिठाइयों के नमूने लिए गए हैं, खाद्य विभाग और औषधि विभाग ने नमूने जाँच के लिए भेज दिए। विशेष त्यौहार है और चूंकि इसमें मिलावट की संभावना ज़्यादा होती है मांग के अनुसार, इसलिए हमारे तरफ से विशेष कार्रवाई भी की जा रही है। एक सचल दल गठित है, मुख्य सुरक्षा अधिकारी नेतृत्व में मैं भी अभियान में जा रहा हूं और निगरानी रखी जा रही है खोआ मंडी से लेके ग्रामीण क्षेत्र के बाजार, शहर क्षेत्र में जो दुकानें हैं सभी पर। वही अमरोहा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके बाद पुलिस ने सरगांव जबलपुर में 110 लीटर अवैध शराब बरामद किया है, साथ ही 1000 लीटर लहन को भी नष्ट किया। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तो लगातार कार्रवाई चल रही है और अमरोहा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके बाद पुलिस ने सरगांव जबलपुर में 110 लीटर अवैध शराब बरामद किया है, साथ ही 1000 लीटर लहन को नष्ट किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। भूमि विवाद में पुलिस ने 2 पक्षों के 9 लोगों को जेल भेजा है। पुलिस पर बेगुनाह लोगों को जेल भेजने का आरोप है। भाजपा जिला अध्यक्ष शुभम चौधरी की अगुवाई में विरोध हुआ है और आरोप ये लगा रहे हैं भाजपा जिला अध्यक्ष की, जो घटना में शामिल नहीं थे उन्हें भी पुलिस ने फंसाकर जेल भेज दिया। थाना मंडी धनोरा का ये मामला है, तो मंडी धनोरा थाना है और मंडी धनोरा थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये लगे हैं कि जो लोग निर्दोष थे उनको भी फंसा दिया गया और इसी का विरोध किया गया है। हापुड़ में बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। 4 नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर टिम्बर व्यापारी के घर में लूट की। इसके बाद बदमाशों ने व्यापारी की मां, बहन और नौकरानी को बंधक बनाया। गन पॉइंट पर 20,000 रुपए नकदी, लाखों के आभूषण, लाइसेंसी पिस्टल और सीसीटीवी कैमरे की DVR लूट ली गई। करीब 40 मिनट तक परिवार को बंधक बनाया गया। जानकारी मिलते ही SP अभिषेक वर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। और मेरठ में AC चोरी करते पकड़े गए 2 लोग, CCTV की मदद से इन्हें पकड़ा गया है। लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई भी कर दी। तो आप देखिए, AC की चोरी कर रहे थे लेकिन नज़र उसी दौरान इन पर पड़ गई और फिर ये पकड़े गए। तो मेरठ की तस्वीर है जहां पर AC की चोरी कर रहे थे लेकिन CCTV की मदद से पकड़ लिए गए हैं। लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई भी की। महाराजगंज में आपत्तिजनक वीडियो का विरोध करने पर हत्या हो गई। पुलिस ने हत्या के केस दर्ज कर 5 को गिरफ्तार किया है। परिजनों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। परिजनों ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। तो महाराजगंज में आपत्तिजनक वीडियो का विरोध करने पर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की मांग की है। आप अंदाजा लगाइए कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि पहले आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं और विरोध करने पर हत्या कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी करने पर पता चला है कि कल इनका एक विवाद हुआ था, मेयर बांधने को लेकर के कुछ इनका विवाद चल रहा था, इसी में आज ये दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। अभी जो चोटिल व्यक्ति हैं उसके परिवार जनों के प्रार्थना पत्र पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें पूरे प्रकरण की जांच कर ले और जो भी दोषी हों उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल शूटआउट केस में। शूटआउट केस में जेल से रंगदारी मांगे जाने का एंगल सामने आया है। साबरमती जेल से अतीक अहमद ने गुर्गो से रंगदारी मांगी थी। उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और उमेश पाल के करीबी सूरज पाल से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और दोनों के कई गुर्गों के खिलाफ भी ये केस दर्ज हुआ है। पुलिस अब रंगदारी एंगल को भी फोकस कर रही है। तो उमेश पाल कांड में एक नया मामला सामने आया है और शूटआउट केस में जेल से रंगदारी मांगे जाने का एंगल मिला है। साबरमती जेल से अतीक अहमद के गुर्गों ने रंगदारी मांगी थी और उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उमेश पाल के करीबी सूरज पाल से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और दोनों के कई गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पुलिस अब रंगदारी के एंगल पर भी फोकस कर रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि साबरमती जेल से किस तरीके का खेल चल रहा था। साबरमती जेल से अतीक अहमद के गुर्गे ने मांगी थी रंगदारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोइन जुड़ गए। मोइन, ये क्या पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, जो उमेश पाल का शूटआउट केस हुआ था उसमें 9 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ लगभग खाली है। ऐसे में अब पुलिस तमाम एंगल पर छानबीन कर रही है, पड़ताल कर रही है कि जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद का नाम इस पूरे मामले में सामने आया था तो आखिरकार क्यों माफिया अतीक अहमद ने जेल से रहकर उमेश पाल की हत्या कराई। उसमें पुलिस के हाथ कुछ 2 पुराने डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, 2 पुरानी FIR लगी हुई है जो उमेश पाल और उसके करीबी ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के साथ इस साल गुर्गों के खिलाफ कराई थी। उसमें 1 FIR खुद उमेश पाल ने दर्ज कराई थी ठीक 6 वारदात के ठीक 6 महीने पहले, जिसमें ये कहा गया था कि वो अपनी एक जमीन पर निर्माण कराने जा रहे थे, तभी जो है वहाँ कुछ गुर्गे पहुंचे और उन्होंने कहा कि अतीक अहमद को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी दो, नहीं यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। तो उमेश पाल ने रंगदारी देने के बजाय इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में कर दी थी और ठीक इसी तरीके से उमेश पाल के एक करीबी सूरज से बरेली जेल में बंद अशरफ के नाम पर रंगदारी मांगी गई थी। बिल्कुल, और अब ये भी एक एंगल आ गया है। शुक्रिया आपका मोइन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।